समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। ब्रह्मनगर कॉलोनी में कारोबारी के घर में घुसे तमंचाधारी, बैठकर पी शराब, 15 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम। आपको बता दें कि झांसी के सिपरी बाजार की पॉश ब्रह्मनगर कॉलोनी में कारोबारी के घर की खिड़की तोड़कर तमंचाधारी 5 बदमाश घर में जा घुसे। बदमाशों ने घर के अंदर पहले शराब पी, इसके बाद अलमारियों का ताला तोड़कर 15 लाख के सोने चांदी के जेवरात समेत 1.85 लाख रुपए नकद उड़ा कर ले गए। बुधवार की सुबह 6:30 बजे कारोबारी के नीचे आने पर वारदात का पता चला। सूचना पर पुलिस जा पहुंची। पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे गाल डाले। इसमें 5 बदमाश आते जाते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने तमंचा भी ले रखा था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।